उत्तराखंड के देहरादून में मदरसों की आड़ लेकर बनाई जा रही करोड़ों की आलीशान मस्जिदें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों हुआ बेअसर? देहरादून में मजार, मस्जिद और मदरसा जिहाद। देहरादून के पछुआ में एक दो नहीं बल्कि कई मदरसे आलीशान इमारतों की शक्ल ले रहे हैं। खास बात यह है कि इन इमारतों में मस्जिदें भी बनाई जा रही हैं, जिनके निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। देहरादून से पोंटा साहिब जाते समय मुख्य मार्ग पर सेलाकोई क्षेत्र में एक आलीशान मदरसे का अवैध निर्माण हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से खड़ी इस अवैध लैंड जिहादी इमारत में कई सालों से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य मार्ग के किनारे बन रही इस अवैध इमारत के निर्माण कार्य करवाने की कोई अनुमति MDDA या विकास प्राधिकरण से नहीं ली गई। पक्की सूचना है कि इस मदरसे के परिसर में मस्जिद भी बनाई गई है, यानी मदरसा शिक्षा भवन की आड़ लेकर यहां अवैध मस्जिद खड़ी कर रहा है। एक मदरसा और मस्जिद सेलाकोई के ही जमनपुर में भी ऐसी ही खड़ी कर दी गई है, जिसकी कोई अनुमति जिला प्रशासन या MDDA से नहीं ली गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का 20 सितंबर 2009 का आदेश है कि बिना DM की अनुमति के कोई भी नया धार्मिक स्थल अथवा पुराने धार्मिक स्थल की मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता है, और इस आदेश के अनुपालन के लिए देश के हर हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई थी। देहरादून के सहसपुर में बने मदरसे का मामला सुर्खियों में आने के बाद परगना तहसील स्तर से हुई जांच में पता चला है कि नदी शेड़ी की जमीन पर इसका निर्माण हुआ है, जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गई। पछुआ देहरादून में कोई भी मस्जिद, मदरसा या मजारों के लिए नक्शा पास नहीं कराया गया है। ऐसे ही शिमला बाईपास रोड पर एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मस्जिदें बिना शासन की अनुमति के खड़ी कर दी गई हैं। इनमें से ज्यादातर तो सरकार की जमीनों पर अवैध कब्जे करके बना दी गई हैं। एक मस्जिद तो बीच नदी में बना दी गई, जो कि वन विभाग की नदी शेड़ी की जमीन है। अब ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध निर्माण और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई के आदेशों के बाद प्रशासन जाग रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब इतनी ऊंची ऊंची करोड़ों लागत वाली इमारतें बनाई जा रही थीं, तो देहरादून के विकास नगर सेलाकोई प्रशासन MDDA के अभियंता आंखें मूंदे कैसे बैठे रहे? क्या इन पर कोई राजनीतिक या सामाजिक दबाव था, या फिर ये करप्शन के काले खेल का नतीजा है? वैसे यही अधिकारी किसी आम आदमी के घर के बाहर एक ईंट तक नहीं लगने देते हैं, लेकिन यहाँ मदरसे, मस्जिदें और मजारे बनाए जाने पर यही डिपार्टमेंट खामोश क्यों हो जाते हैं?